सब्सक्राइब कीजिए द कॉमर्स ट्यूटर यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारे चैनल से रिलेटेड अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आनंद और आप देख रहे हैं द कॉमर्स ट्यूटर। आज के इस वीडियो में हम क्लास 11 का जो चैप्टर 8 है बिजनेस स्टडीज़ का, स्मॉल बिजनेस एंड इंटरप्राइजेस, उसमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप का टॉपिक जो है उसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। Intellectual property systems can be critical in helping new ventures transform their innovation potential and creativity into market value and competitiveness. तो पूरे टॉपिक का यही एक सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। क्या कहता है ये? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सिस्टम्स जो हैं वो बहुत क्रिटिकल हो सकते हैं। क्रिटिकल यानी कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसाइडिंग फैक्टर हो सकते हैं। किस चीज़ में? कि नए वेंचर्स जो हैं वो अपने इनोवेशन पोटेंशियल, ठीक है, उनको नई नई चीज़ों को इनोवेट करने का जो उनमें पोटेंशियल है और जो उनमें क्रिएटिविटी है, इसको मार्केट वैल्यू में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं और कैसे कम्पिटिटिवनेस पा सकते हैं। कम्पिटिटिवनेस यानी कि ऑलरेडी जो एस्टैब्लिश्ड जो बिजनेस हाउसेज हैं मार्केट में, जो सिमिलर इंडस्ट्री में हैं, जो सिमिलर प्रोडक्ट्स में डील कर रहे हैं, उनसे कैसे हम कम्पीट कर पाएंगे, ठीक है। और मार्केट वैल्यू मतलब क्या? किसी भी प्रोडक्ट की जो आप मार्केट में प्रोवाइड करते हैं कस्टमर्स को, प्रोडक्ट हो या सर्विस हो, उसकी एक मार्केट वैल्यू होती है। कस्टमर्स जब भी कोई प्रोडक्ट या सर्विस खरीदने के लिए आता है तो उस प्रोडक्ट या सर्विस का उसके लिए जो फ़ायदा होता है उसकी वो एक वैल्यू लगाता है और उसके हिसाब से प्रोडक्ट की मार्केट वैल्यू डिसाइड होती है। ओके, तो इसीलिए ये जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट और क्रिटिकल फैक्टर हो जाती हैं ये तय करने में कि नए वेंचर्स अपने इनोवेटिव आइडियाज़ को, इनोवेटिव पोटेंशियल को और क्रिएटिविटी को कैसे मार्केट वैल्यू और कॉम्पिटिटिवनेस में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो हैं ये अलाउ करती हैं इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स को कि वो अपने इन्वेंशंस को प्रोटेक्ट कर सकें। अगर कोई इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर है, ये बंदा एक नया एंटरप्रेन्योर है, उसने एक इनोवेटिव प्रोडक्ट बनाया है, सोचा है, मान लो कि कुछ इन्वेंट किया है नया, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के माध्यम से वो उसको पेटेंट करा सकता है और उससे वो अपने इन्वेंशन को प्रोटेक्ट कर सकता है ताकि उसके कंपटीटर्स उसको यूज़ न कर लें। इससे उसको अपने कंपटीटर के ऊपर एक एज यानी कि एक एडवांटेज भी मिल जाता है। ओके, तो यहाँ पे लिखा है व्हाट इज़ द आईपी सिस्टम, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सिस्टम क्या है, इसको देखना है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है वो टू कैटेगरीज में डिवाइडेड है। तो पहली कैटेगरी है इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी। इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी में क्या आते हैं? इन्वेंशंस आते हैं जिनको लोग पेटेंट करा लेते हैं, ट्रेडमार्क्स आते हैं, इंडस्ट्रियल डिज़ाइंस आते हैं एंड ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस भी आती हैं। ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस यानी कि जब किसी प्रोडक्ट के साथ किसी ज्योग्राफिकल लोकेशन का नाम जुड़ जाता है जो उस प्रोडक्ट को बाकी चीज़ों से खास बना देता है, उसी कैटेगरी के बाकी प्रोडक्ट से खास बना देता है, उसको बोलते हैं ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। अब एग्जाम्पल के तौर पे मैं बोलता हूँ ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का, कि साड़ी के बारे में आप सबको पता है, साड़ियाँ बाजार में बहुत सारी बिकती हैं, पर इस साड़ी के आगे अगर हम किसी प्लेस का नाम लगा दें, मान लो बनारस, तो बनारसी साड़ी, तो बनारसी साड़ी का एक अलग ही मार्केट वैल्यू है इंडियन मार्केट में, क्योंकि यहाँ की बनारस की साड़ियाँ जो होती हैं वो एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल और हाई क्वालिटी की होती हैं, सिल्क की बनी हुई होती हैं, तो बनारसी साड़ियों का एक अलग ही रुतबा होता है इंडियन मार्केट में। तो ये जो बनारस जो हमने जोड़ दिया इस साड़ी के साथ, ये नाम बनारसी साड़ी वर्ड में जो ये बनारस वर्ड है ये एक ज्योग्राफिकल इंडिकेशन है जो कि इस साड़ी को एक अलग ही खासियत प्रदान करता है। इसी तरह एग्जांपल्स हो गए आगरा के पेठे, अलीगढ़ के ताले वगैरह वगैरह, बाकी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं आपको पता भी हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। अगर किसी प्रोडक्ट के साथ कोई ऐसा ज्योग्राफिकल लोकेशन का नाम जुड़ जाए जो उसको थोड़ा खास बना दे तो उसको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन बोलते हैं। ये भी एक तरह का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ही है। ओके, तो पहला हो गया इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी, फर्स्ट कैटेगरी। सेकंड कैटेगरी हो गया कॉपीराइट। कॉपीराइट क्या होता है वो हम आगे डिटेल्स में पढ़ेंगे, लेकिन अभी आपको बता दूं कि कॉपीराइट में अगर कोई लिटरेरी यानी कि लेखन का काम, जैसे कि ऑथर, कवि या राइटर वगैरह जो करते हैं, या कोई आर्टिस्टिक वर्क कर रहा है, तो उसको वो कॉपीराइट मिलता है कि उसका काम कोई और कॉपी करके उसको बेच के पैसे ना कमा ले,
ठीक है, उसकी परमिशन के बिना उसके काम को कॉपी नहीं किया जा सकता। यानी कि अगर किसी ने कोई कविता लिखी है तो उसके परमिशन के बगैर, उस ऑथर के या कवि के परमिशन के बगैर, कोई तीसरा बंदा उन कविताओं को छाप के बाजार में बेच के पैसे नहीं कमा सकता, उसको कॉपीराइट बोलते हैं। ओके, तो ये तो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज, ये इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी और ये कॉपीराइट, ये पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स वगैरह, ये सारे हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। अगर किसी एंटरप्रेन्योर को किसी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के एक्सक्लूसिव राइट्स मिल जाएं कि वो इस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को यूज़ कर सकता है, तो फिर उसको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स बोलते हैं। ओके, और इसका एक इनोवेटिव एंटरप्रेन्योरशिप पे बहुत बड़ा असर पड़ता है, क्योंकि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ही वो सीढ़ी है जिसके माध्यम से आजकल एक एंटरप्रेन्योर जो है वो सक्सेस की सीढ़ियाँ चढ़ता है। ओके, तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ लिखा है आईपी सिस्टम एज एन एसेट फॉर इनोवेटिव एंटरप्रेन्योरशिप। यानी कि इनोवेटिव एंटरप्रेन्योरशिप, एक बडिंग एंटरप्रेन्योरशिप जो कि बहुत इनोवेटिव है, यानी कि उसके पास कमाल के इनोवेटिव आइडियाज़ हैं, उसको आईपी सिस्टम एक एसेट के रूप में कैसे हेल्प करता है। तो देखो यहाँ लिखा है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट दैट इज़ IPR इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या लिखा है, ऑथर ने खुद लिख दिया यहाँ पे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड बेनिफिशियल फॉर इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर इन द फॉलोइंग वेज। तो क्या वेज हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहला है इनोवेटिव पोटेंशियल गेट मार्केट वैल्यू। अगर कोई इनोवेटिव पोटेंशियल है आपके पास और आपने उसको पेटेंट करा लिया, तो आपको फिर मार्केट वैल्यू मिलेगी। दूसरा पॉइंट है स्पेशली अपकमिंग एंटरप्रेन्योर कैन मेक देयर नेम एंड प्लेस इन द मार्केट विद IPR। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को यूज़ करके आप अपना मार्केट में जो एंटरप्रेन्योर है वो अपना नाम और प्लेस, यानी कि अपना नाम और अपनी शोहरत जो है वो मार्केट में इस्टेब्लिश कर सकता है, ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की मदद से। एक एंटरप्रेन्योर के पास अगर एक ऐसा इन्वेंशन है जो उसने खुद किया है और उसको पेटेंट करा लिया है, तो उस इन्वेंशन को यूज़ करके वो नई तकनीक के या नए टाइप के प्रोडक्ट्स जो पब्लिक ने पहले नहीं देखे थे, उस टाइप के प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल करा सकता है, और इससे वो बहुत ज़्यादा सक्सेस पा सकता है, मार्केट में नाम और पैसे दोनों कमा सकता है। थर्ड, रिसर्च शोज दैट मोर देन 25% पेटेंट आर टेकन बाई न्यू एंड अपकमिंग एंटरप्रेनर्स। तो ऐसा रिसर्च में देखा गया है कि 25% से ज़्यादा पेटेंट्स जो आजकल रजिस्टर हो रहे हैं वो नए एंटरप्रेनर्स ही रजिस्टर करवा रहे हैं, क्योंकि ये नए एंटरप्रेनर्स जो हैं ये लोग बहुत इनोवेटिव होते हैं, और जो लोग इनोवेटिव होते हैं उन्हीं से नए नए बिजनेस आइडियाज़ निकलते हैं, नई नई टेक्नोलॉजी के आइडियाज़ निकलते हैं, नए नए इन्वेंशंस निकलते हैं, तो ज़्यादातर पेटेंट्स जो हैं यही लोग रजिस्टर करवाते हैं। ओके, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स गिव्स द एंटरप्रेन्योर प्रॉपर्टी राइट ऑन इंटेंजिबल एसेट्स। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स से एंटरप्रेन्योर को राइट्स मिल जाता है किस पे, इनटेंजिबल एसेट्स पे। इनटेंजिबल एसेट्स क्या हैं, इन्वेंशंस हैं, पेटेंट्स हैं, नो हाउ है, ट्रेडमार्क्स हैं, इनको इनटेंजिबल एसेट्स बोलते हैं। पांचवा पॉइंट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स गिव्स एन एज ओवर योर कंपिटिटर एंड हेल्प यू टू बिकम लीडर इन योर फील्ड। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, जैसे कि मैंने ऑलरेडी बता दिया, अगर आप कोई ऐसी टेक्नोलॉजी को पेटेंट करा लेते हैं जो आपके कंपटीटर के पास नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि आप उससे अच्छे प्रोडक्ट्स पब्लिक को या मार्केट में सप्लाई कर पाएंगे जो कि आपका कंपटीटर नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके पास वो टेक्नोलॉजी है ही नहीं। और अगर किसी तरह वो उस टेक्नोलॉजी उसके हाथ भी लग जाए, उसका फॉर्मूला हाथ भी लग जाए, वो उसको यूज़ नहीं कर पाएगा क्योंकि आपने उसको पेटेंट करवा लिया है। पेटेंट करवाना मतलब आपको उसके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के राइट्स मिल गए हैं। ओके, तो आप अपने कंपटीटर से हमेशा एक कदम आगे रहेंगे और अपने फील्ड में आप लीडर बने हुए रहेंगे। ओके, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में क्या क्या आता है, एक है कॉपीराइट, दूसरा है पेटेंट, तीसरा है ट्रेडमार्क। तो कॉपीराइट क्या है, चलिए देखते हैं। कॉपीराइट जो है वो आपको एक राइट देता है, एक प्रोटेक्शन देता है कॉपीराइट होल्डर को, कि आप अपना वर्क, आपका जो काम है, कोई आर्ट हो गया या कोई लेखन का काम हो गया, लिटरेचर का काम, जैसे कविताएं, कहानियां, कुछ भी, उसको आप अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं। मान लो कि कोई गाना है जो आपने लिखा है, आप उसको लोगों के सामने जाके गा सकते हैं, एंड डिस्प्ले अपने जो वर्क ऑफ आर्ट है उसको आप पब्लिकली डिस्प्ले कर सकते हैं। जैसे कि आपने कोई पेंटिंग बहुत अच्छी बनाई है, उसको आप किसी आर्ट एग्जीबिशन में लगा सकते हैं अपने नाम से। लेकिन ये राइट्स जो आपको मिले हैं,
जो कि है उस काम को मॉडिफाई करने की, डिस्ट्रीब्यूट करने की, परफॉर्म और डिस्प्ले करने की, ये सिर्फ आपके पास है। देखो, एक्सक्लूसिव राइट लिखा है, जो आर्टिस्ट या जो लेखक है सिर्फ उसी के पास होता है। इसके अलावा इस काम को कोई और यूज़ नहीं कर सकता, मॉडिफाई नहीं कर सकता, डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता, परफॉर्म डिस्प्ले नहीं कर सकता, क्योंकि इसके ऊपर कॉपीराइट प्रोटेक्शन रहता है। अगर इस कॉपीराइट होल्डर की परमिशन के बगैर किसी ने उस वर्क को यूज़, मॉडिफाई, डिस्ट्रीब्यूट, परफॉर्म या डिस्प्ले किया, तो उस पर ये कॉपीराइट होल्डर लीगल एक्शन ले सकता है। ओके, जनरली कॉपीराइट जो है वो नॉवेल्स, लिटरेचर, बुक्स, आर्ट वगैरह में देखने को मिलता है। दूसरा है पेटेंट। पेटेंट्स प्रोटेक्ट प्रोसेसेस, मेथड्स एंड इन्वेंशंस दैट आर नॉवेल, नॉन ऑब्वियस एंड यूजफुल। इफ ग्रांटेड, अ पेटेंट्स गिव्स यू मोनोपोली ऑन सेलिंग, यूजिंग, मेकिंग और इम्पोर्टिंग एन इन्वेंशन। पेटेंट क्या होता है? जनरली पेटेंट का सिंपल सा मीनिंग यही है कि अगर आप कुछ इन्वेंट करते हैं, कोई प्रोडक्शन प्रोसेस हो गया, कोई मेथड ऑफ प्रोडक्शन हो गया, या कोई और इन्वेंशन हो गया, कुछ आपने कोई नई चीज़ निकाल ली इन्वेंट करके, जो लोगों को वैल्यू प्रोवाइड कर सकती है, जो लोगों को अच्छे प्रोडक्ट्स या सर्विसेज प्रोवाइड करने में आपको हेल्प कर सकती है, ठीक है, जो बहुत अच्छी है, नॉवेल यानी कि वन ऑफ इट्स काइंड है, नॉन ऑब्वियस यानी कि सबसे हटके है, ठीक है, और यूजफुल यानी कि लोगों के लिए उपयोगी है, तो आप उसको पेटेंट प्रोटेक्ट करा सकते हैं। कोई और उस प्रोसेस, मेथड या इन्वेंशन को यूज़ नहीं कर सकता, ठीक है, आपके पास मोनोपोली आ जाती है। आप उस प्रोसेस, मेथड या इन्वेंशन को बेच सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, या बाहर से इम्पोर्ट भी करा सकते हैं। द रिक्वायरमेंट्स फॉर अ पेटेंट आर कॉम्प्लेक्स। तो पेटेंट जबकि किसी एक बंदे को एक्सक्लूसिव राइट दे देता है उस प्रोसेस, मेथड या इन्वेंशन को यूज़ करने का, इसीलिए पेटेंट रजिस्टर करवाना एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स टास्क होता है, बहुत कठिन टास्क होता है, बहुत सारे लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं, उनको सेटिस्फाई, बहुत सारे कंडीशंस को सेटिस्फाई करने के बाद ही आप एक पेटेंट को सक्सेसफुली रजिस्टर करा पाएंगे, और इसके लिए गवर्नमेंट को फीस भी देनी पड़ती है। वैसे मैंने आपसे मेंशन किया था कि पेटेंट्स के केस में स्टार्टअप्स को 80% रिबेट दे रही है गवर्नमेंट, जो कि पिछले लेक्चर्स में मैंने ऑलरेडी कवर किया था। थर्ड है ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क, ये चीज़ आप जानते होंगे, ट्रेडमार्क जो है वो किसी भी बिजनेस का एक सिंबल होता है जो वो बिजनेस में यूज़ करती है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल है, देखो, नाइकी का एक ऐसा टिक का साइन होता है, उसके नीचे लिखा होता है जस्ट डू इट, ठीक है, तो ये नाइकी का ट्रेडमार्क है। एडिडास का कुछ ऐसा सिंबल होता है, ठीक है, मैं ठीक से ड्रॉ नहीं कर पाया, पर कुछ ऐसे ही तीन रेखाएं बनी होती हैं एडिडास के सिंबल में, तो ये सारे एक्चुअली ट्रेडमार्क्स हैं। और ये जो लोगो है, ये एक्चुअली एक लोगो की तरह है, जो कि लोग जब भी देखते हैं तो उस प्रोडक्ट को उस ब्रांड के साथ एसोसिएट कर लेते हैं। ओके, तो ट्रेडमार्क भी एक ब्रांड नेम की तरह ही है, ये एक वर्ड या कोई सिंबल है जो रिप्रेजेंट करता है एक प्रोडक्ट को, कि ये इस ब्रांड से आइडेंटिफाई करता है। ओके, तो इससे क्या होता है, ट्रेडमार्क से वो मार्केट में जो दूसरे सिमिलर प्रोडक्ट्स हैं उससे वो प्रोडक्ट अलग हो जाता है। जैसे कि जूतों के केस में, अगर आप नाइकी के जूते खरीदने गए हैं मार्केट में, तो जब आप ये टिक वाला ट्रेडमार्क देखेंगे शोरूम में, जो जूते सजे हुए रहते हैं, तब आप समझ जाएंगे कि ये नाइकी के जूते हैं, और आप डायरेक्टली उस तरफ खींचे चले जाएंगे। अगर आपने नाइकी के जूते खरीदना ही जो है वो डिसाइड किया है, तो आप इधर उधर नहीं जाएंगे। तो ट्रेडमार्क को देख के एक बंदा जो है वो अपने मनपसंद ब्रांड के प्रोडक्ट्स को दूसरे ब्रांड से अलग आइडेंटिफाई कर सकता है। ओके, और ट्रेडमार्क भी लीगली प्रोटेक्टेड है, कोई और बंदा आपका ट्रेडमार्क जो है अपने प्रोडक्ट्स में यूज़ नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये थी हमारी डिस्कशन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के ऊपर। मेन डिस्कशन का फंडा यहाँ पर ये है कि ये जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं, कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, ये नए एंटरप्रेनर्स के केस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं? क्योंकि नए एंटरप्रेनर्स जो होते हैं वो हमेशा न्यू आइडियाज़ के साथ मार्केट में आते हैं, और ये न्यू आइडियाज़ ही उनको सक्सीड करने में हेल्प करती हैं, और ये हमेशा चाहते हैं कि ये जो न्यू आइडियाज़, न्यू इन्वेंशंस हैं, इनको हम पेटेंट करा लें, ताकि इन आइडियाज़, इन इन्वेंशंस का यूज़ कोई और ना कर सके, और ये सिर्फ इनका यूज़ करके मार्केट में आगे निकल जाएं दूसरों से। ओके, तो यही पूरा डिस्कशन था। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये डिस्कशन अच्छा लगा तो कृपया इसको लाइक और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अपने सुझाव और सवाल आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।